अरे गाइस यार, आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, क्योंकि यार आज मैं रात भर पूरा काम किया हूँ, सुबह दिन भर काम किया हूँ, रात भर पूरा, मतलब इतना काम किया हूँ कि गाइस यार आज तो मैं थक ही गया हूँ। लेकिन गाइस चिंता मत करो, आप जा ही रहे हम लोग सोने सीधा, और कल तो मैं भैया आराम से उठूँगा। वैसे भी कल तो गाइस यार छुट्टी है, तो कल तो भाई मैं एकदम आराम से सोऊंगा भाई, एकदम प्यार से आराम से उठूंगा। बाकी अभी तो फिलहाल जा रहा हूँ मैं सीधा घर, और फिलहाल वहाँ पे सोऊंगा, एकदम बढ़िया आराम से चिल करूँगा। हाँ तो कैसे है, मैंने अपनी कार को पार्क कर दिया है, और चलो कैसे जल्दी से चलता हूँ मैं, सो जाता हूँ, फिर कल सुबह उठता हूँ भाई, मिलते हैं फिर आप लोग से। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज हो चुकी है दोपहर से सुबह, और आज मैं सोचा हूँ चलो जल्दी से पहले न्यूज़ देख लेता हूँ थोड़ी बहुत, और फिर निकलता हूँ थोड़ा बहुत, और ऐसे भी हल्के मुल्के काम निपटाने थे तो वो भी निपटा लूँगा। आज की ताज़ा खबर, आइए और ले जाइए बिल्कुल सस्ते में, ये फ्री में एकदम सस्ते में घर, जो कि आपको सीधा 10,000 में पड़ेगा, सिर्फ 10,000। हैं, ये घर सही में 10,000 का मिल रहा है? चलो किसी, मैंने एक काम करता हूँ, ये घर भी ले लेता हूँ, मेरे पास एक घर तो है ये बड़ा वाला, और वो भी रख लूँगा, एक से हम लोग पास दो दो घर हो जाएगा, फिर बाद में महंगा जब होगा तो बाद में बेच दूंगा। चलो भाई चलते हैं, जल्दी खरीद लेते हैं। और हाँ, मैंने पैसा भी निकाल लिया, अपने बैग में भर लिया, और चलो भाई सीधा अपनी गाड़ी ले के फुल स्पीड में निकलते हैं उस लोकेशन पे, जहाँ पे ये वाला जो घर है हम लोग को मिलने वाला है। ओके कैसे, पूरे आधे एक घंटे ड्राइविंग करने के बाद मैं आ चुका हूँ इस जगह पे, जो कि एक गांव टाइप का इलाका है, और यहीं पे ही कोई सा घर था, पता नहीं कौन सा था, मैंने सही से ध्यान नहीं दिया, बस मेरे को इतना पता है कि वो जो घर है वो रेड कलर का है, और वो रोड की तरफ है, और वहाँ पे उसका ओनर भी खड़ा हुआ है। तो चलो देखते हैं, ढूंढते हैं, पहले थोड़ी बहुत खोजा खाजी कर लेते हैं भाई, जब इतना पास आ गए हैं तो थोड़ा बहुत खोज लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। ओके फिलहाल तो मेरे को इधर यूके भाई ये घर मेरे को लग रहा है, यही घर है, यहीं पे इसकी ओनर भी यहीं कहीं घूम रही है, मतलब इधर ही उधर। तो चलो इससे चल के बात करते हैं, देखते हैं मतलब क्या थोड़ा बहुत और सस्ता करती है कि नहीं, और थोड़ा बहुत और सस्ता करे तो बात अच्छी बात है, माना तो मैं घर ये ले लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेलो मैडम, मेरे को ये घर चाहिए, लेकिन आप 10,000 कह रहे हो, मैं आपको सिर्फ 8,000 दूंगा, प्लीज़ मेरे को इतने में दे दो। नहीं, इतने की नहीं मिलेगी, निकल जाओ वरना मारूंगी। इतनी बड़ी गाड़ी लेकर आ रहा है और मैं 10,000 नहीं दे पा रहा है। अरे प्रिया, मेरा नाम जीरा है। अरे वही जीरा, हर गाड़ी वाला अमीर इंसान नहीं होता है, ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, पर आपको समझना चाहिए ऐसा। ये करके मैं अपने मकान का ना प्राइस कम नहीं कर दूंगी, तो ये मत करो। हाँ गाइस मेरे को नहीं लगता कि ये लड़की मानने वाली है 8,000 में, तो चलो एक काम करते हैं, इसको दे देते हैं, ख़त्म करते हैं। गाइस गाइस, मैंने ना ये घर को खरीद लिया, बट हाँ इस इन्हें ओनर ने कहा था कि ये घर एक हॉन्टेड है, मेरे को तो लग रहा है ये मजाक कर रही है। फिलहाल छोड़ो, हम लोग चलते हैं अपने घर के अंदर, देखते हैं कैसा घर है भाई। ओके कैसे, मैं तो फिलहाल घर के अंदर आ चुका हूँ, और ये घर काफ़ी ओल्ड थीम का मेरे को लग रहा है, वैसे तो बाहर से देखने से ही लग रहा था, लेकिन हाँ अंदर देखने से तो भाई पूरा ही ओल्ड थीम का लग रहा है ये घर। बाकी हाँ ये सब रूम है, यहाँ कैबिनेट है, ये सब है ठीक है, और ये एक कमरा है जो कि अजीब सा है। चलो और देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, और एक यहाँ पे बाथरूम है जो कि भाई काफ़ी छी छी अर्थू एकदम कंदेला भाई, बाथरूम भाई बाथरूम से एकदम महक आ रही है बदबूदार, बाप रे भाग भाई भाग यहाँ से भाग भाई। ओ यहाँ पे बेसमेंट भी है क्या? ओके हम लोग एक बार बेसमेंट में चल के देख लेते हैं। ओके भाई यहाँ पे काफ़ी जगह है, मतलब बेसमेंट में भाई सही है भाई, इधर मैं अपने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें छुपा के रख सकता हूँ, जैसे कि समझ गए ना, जैसे कि समझ लो। बाकी एक और बेसमेंट के भी बेसमेंट है भाई यहाँ पे, तो ओके यहाँ पे तो सीवर वीवर है भाई, यहाँ पे तो बहुत बुखारी है, इसलिए मैं ऊपर आ चुका हूँ वापस से, और मैम लोग एक बार ऊपर वाला फ्लोर भी चेक कर लेते हैं कि ऊपर भी फ्लोर था इसमें ये वाला। ओके यहाँ पे एक गेस्ट रूम टाइप का है, और एक यहाँ पे एक बेडरूम है बस, और इस घर में कुछ है नहीं फिलहाल। अब क्या कह रही थी लड़की कि यहाँ इस घर में भूत है, भूत क्या, यहाँ पे तो भूत की परछाई नहीं दिख रही है भाई मेरे को तो। हाँ भाई ओपी ये क्या है, ओपी ये कौन है भाई, ओ भाई ओपी ये तो ग्रैनी टाइप की लग रही है भाई, भागो 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 ओपी, 1 मिनट ओपी यार ओपी मेरे को मार देगी, वेट वेट मेरे को भागना पड़ेगा, मेरे को भाग ओपी भाई साहब, भागो भैया भागो, अभी खुल खुल गेट खुल गेट खुल, ओपी नीचे चल नीचे चल, जल्दी 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 यार, जाने का रास्ता बाहर का रास्ता कहाँ है, बाहर का रास्ता कहाँ गया। चलो कैसे, मैं तो बाहर तो आ चुका हूँ, किसी तरह चली चलता हूँ भाई घर भागो। ओके कैसे, फाइनली मैं घर आ चुका हूँ, और अब मेरी भाई हार्ट बीट थोड़ी बहुत स्लो हो चुकी है, क्योंकि पहले तो भाई एकदम हार्ट बीट एकदम तेज़ थी, बट गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी पार्ट का, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। बाकी हम मैं आप लोग से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।